हल्द्वानी पहुंची उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न गेम्स के बन रहे स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने का निर्देश दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द खेलों को शुरू करने को कहा। इस दौरान टेबल टेनिस कोर्ट की जर्जर हालत को देखकर मंत्री रेखा आर्य नाराज हो गई। उन्होंने अधिकारियों से जल्द सही करने को कहा। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विभाग क्रिकेट स्टेडियम में जल्द से जल्द क्रिकेट कराने के लिए गंभीर है। इसके लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर जल्द शुरुआत की जाएगी। क्रिकेट की तो निश्चित रूप से क्रिकेट को लेकर हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे, इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दामी जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब ये निर्मित चीज़ें खिलाड़ियों को और जनता को समर्पित होगी तो स्वाभाविक रूप से फिर जो एक हमारे को काम करने का स्पोर्ट्स की इवेंट्स करने के जो हमारे ये कार्यक्रम रहेंगे वो रेगुलर होते रहेंगे। वर्तमान में भी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। हाँ, ऑल वेदर स्विमिंग पूल का प्रस्ताव जो है वो आया हुआ है और हम लोग स्विमिंग में विंटर के समय पानी गर्म हो सके इस प्रकार की सुविधा या नई टेक्नोलॉजी के साथ में जैसा टेम्परेचर चाहिए उसके अनुसार एडजस्ट करने वाला जो टेक्निक है उसको लेकर विभाग की ओर से प्रस्ताव शासन में आया हुआ है। हम लोग जल्द से जल्द उसमें बजट आवंटन करेंगे और बजट करते हुए शासनादेश निर्गत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले पहले हम इसको कर सकने में सफल